नमस्ते दोस्तों, ऑनिडो आईकिटा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं फिंगर एक्सरसाइज आपको दिखाने वाला हूँ, ये डेली एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन जो आपका एक्सरसाइज होता है उसमें आपको करना पड़ेगा। इससे आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दोनों ही कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो स्पीड जो पिकिंग है उसमें भी बहुत डेवलप होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस लेसन को आप हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं क्या है इस लेसन में, कैसे इसको बजाना जाता है। पहले जो मैं बोलता हूँ, इस लेसन को बहुत ही एकदम धीमे से आपको प्रैक्टिस करना होगा, एकदम स्लो। स्लो मतलब एकदम स्लो ऐसे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। पहले जितने दिन हो सके तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली डेली एक्सरसाइज जो आपका जो रूटीन होता है उसमें आप ये इंक्लूड कर लीजिए, डेली आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं फिंगर का जो पोजीशन है वो कैसा रहेगा, कैसे हमारा सेफ रहेगा। पहले जो थंब है वो एकदम नीचे जाएगा, फ्रेटबोर्ड का एकदम नीचे, देखिए ऐसे फ्रेटबोर्ड का नीचे जाएगा जो फर्स्ट फिंगर आएगा, ताकि हमारा जो फिंगर पोजिशन है वो ऐसा रहे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट फिंगर जाएगा सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेटबोर्ड डाउन स्ट्रोक, सेकंड फिंगर जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड अप। अब जो जब सेकंड फिंगर सेकंड फर्स्ट स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रोक होगा, तो फर्स्ट फिंगर उठ जाएगा। तो उठेगा मतलब इतना दूर नहीं जाएगा फ्रेटबोर्ड से, एकदम पास में रहेगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, पहले दफा ये नहीं होगा। हमेशा फिंगर कोशिश रहेगा कि फ्रेटबोर्ड की जितने पास हो सके उतना इसको रखने का, क्योंकि देखिए आप इसको ऐसे रखेंगे तो अगले जब भी आपका जो फर्स्ट फिंगर डालना होगा तो आप तुरंत ही डाल सकते हैं। अगर दूर दूर हो जाएगा जो फर्स्ट फिंगर तो उसको लाने में बहुत ही टाइम लगता है। ये जो फास्ट पिकिंग है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फास्ट पिकिंग जब आप करेंगे, जो फास्ट लेसन आप लोग बजाएंगे, तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, फिंगर हमेशा फ्रेटबोर्ड से क्लोज रहे, ठीक है। तो फास्ट फिंगर जाएगा सेकंड स्ट्रिंग फास्ट फ्रेटबोर्ड डाउन, सेकंड फिंगर जाएगा फास्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड अप, उसके बाद थर्ड फिंगर जाएगा फिर से सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड, उसके बाद फोर्थ फिंगर जाएगा फास्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड। देखिए मेरा फोर्थ फिंगर जो फास्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड में है, पर मेरा फास्ट फिंगर है वो पूरा फास्ट फ्रेटबोर्ड एकदम पोजीशन में है। ऐसे ऐसे कि ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये जो फिंगर है ये इसको आप स्ट्रेच करके रखना होगा, ताकि हमारा जो फिंगर है तो स्ट्रेच भी हो सके। तो देखिए फिर से एक बार बजा लेता हूं, देखिए फिंगर एकदम स्ट्रेच हुआ है, ऐसे आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद फिर से सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड, फोर्थ फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, उसके बाद फर्स्ट फिंगर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेटबोर्ड, उसके बाद सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेटबोर्ड, थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेटबोर्ड, फोर्थ फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग एट फ्रेटबोर्ड, एट मतलब सॉरी सेकंड सिक्स फ्रेटबोर्ड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फिंगर सिक्स फ्रेटबोर्ड, उसके बाद फिर से फर्स्ट फिंगर आएगा आपको सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ, थर्ड फिंगर आएगा सेकंड स्ट्रिंग सिक्स, फोर्थ फिंगर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग सेवेंथ, उसके बाद फर्स्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेटबोर्ड सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग सिक्स, थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग सेवेंथ, फोर्थ फिंगर एट, उसके बाद फर्स्ट फिंगर सिक्स सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेवेंथ, ऐसे ऐसे करके आगे जाना होगा। थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग एट, फोर्थ फिंगर नाइन्थ, फर्स्ट फिंगर फिर से सेवेंथ, सेकेंड फिंगर एट, थर्ड फिंगर नाइन्थ, फोर्थ फिंगर टेंथ, फर्स्ट फिंगर एट सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर नाइन फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर टेन सेकेंड स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग इलेवेंथ, फर्स्ट फिंगर नाइन्थ सेकेंड स्ट्रिंग टेन,
फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 11, फोर्थ फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 12, 12 में आके आपको स्टॉप करना होगा। एक बार फिर से बजा लेते हैं, स्लोली और स्लो, ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस है, हो गया। उसके बाद फोर्थ फिंगर चला जाएगा ऊपर, सेकंड स्ट्रिंग 12, थर्ड फिंगर आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग 11, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 10, फर्स्ट फिंगर 9th फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से फोर्थ फिंगर सेकंड स्ट्रिंग में चला जाएगा 11th, फर्स्ट थर्ड फिंगर 10th फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 9th, फर्स्ट फिंगर 8। एक बार फिर से वाला देख लेते, फोर्थ फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 12, थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 11, सेकंड फिंगर 10, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 9, फिर से फोर्थ फिंगर 10th, थर्ड फिंगर 9th, सेकंड फिंगर 8, फर्स्ट फिंगर 7, फोर्थ फिंगर फिर से 9th में जाएगा, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फिंगर 8, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फिंगर 7, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 6, फोर्थ फिंगर 8, थर्ड फिंगर 7, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 6, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 5, फोर्थ फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 7th, थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 6th, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 5th, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 4th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 5th, 4th, 3rd, 2nd, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग 4th, फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेटबोर्ड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेटबोर्ड, एंड हो गया। चलिए इसको अब स्लोली एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अप डाउन अप अप डाउन अप down up down up down up down up down up, थाम एकदम नीचे ही रहेगा, इसको आप ध्यान रखिए, सॉरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।